फिल्म की शुरुआत में जापान की सबसे सुरक्षित जेल को दिखाया जाता है, जहां सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता है। दो गार्ड एक के बाद एक सेल चेक कर रहे होते हैं, और जब वे आइसोलेशन सेल के पास आते हैं, जिसमें है जापान का सबसे खतरनाक अपराधी, जिसका नाम है सुजुकी। गार्ड्स उसे देखकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुजुकी मुस्कुराता है और अपना एक दांत निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद गार्ड फिर से राउंड पर आते हैं, लेकिन तब तक सुजुकी अपने सेल से फरार हो चुका था। वे तुरंत अलार्म बजाते हैं और कुछ ही समय में वहां पर आर्मी के बड़े अफसर भी आ जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि सुजुकी जेल की छत से भाग रहा है। जैसे ही वह डेड एंड पर पहुंचता है, अचानक बारिश होने लगती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। 12 साल पहले कैदियों के एक ग्रुप को एक जेल में लाया जाता है। उन कैदियों में सुजुकी भी है, जिसे 10 साल की सजा हुई है। उसके सीने पर एक अजीब सा माउंट फूजी टैटू है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि सुजुकी जेलों से भागने के लिए कुख्यात है, क्योंकि वह पहले ही 3 बार जेल से भाग चुका है। और गार्ड्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन उन्हें यकीन है कि अगर सुजुकी ने इस बार भागने की कोशिश की तो वह बच नहीं पाएगा। अब सुजुकी को उसके सेल में लाया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा है, जहां एक वेंटिलेटर भी है। वह वेंटिलेटर को ऐसे घूरता है कि जैसे उसके मन में कोई प्लान हो। वही गार्ड सेल वार्डन केन मुरा को कहता है कि वे सुजुकी पर नजर बनाए रखे, लेकिन जब वह दरवाजे से देखता है तो पता चलता है कि सुजुकी पहले ही भाग चुका है। अब भगोड़े सुजुकी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू होता है। वे अपराधी को जीनियस मानते हुए पूरे शहर को घेरने की योजना बनाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे उसे 20 मिनट के भीतर ही ढूंढ लेते हैं। सुजुकी ट्रेन की पटरियों पर दौड़ रहा था। बाद में उसे वापिस उसी सेल में लाया जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ पर हथकड़ी बनती है। रात को जब एक गार्ड उसके दरवाजे से देखता है, तो वह देखता है कि सुजुकी ने उसके सिर को कंबल से ढका हुआ है। गुस्से में गार्ड सुजुकी को सिर बाहर करके सोने के लिए कहता है, लेकिन सुजुकी नहीं सुनता। इसके चलते उसे बुरी तरह पीटा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेल वार्डन सुजुकी के पिछले जेल के रिकॉर्ड चेक कर रहा है। तब उसे एक अजीब बात पता चलती है। जब भी सुजुकी जेल से भागता है, तो वह तुरंत ही पास की रेल पटरी पर से पकड़ लिया जाता है। रात में वार्डन गार्ड के साथ रूटीन चेकिंग कर रहा था। जब वे सुजुकी की सेल में प्रवेश करते हैं, तो वे यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उसने अपनी हथकड़ी खोल दी है, जिससे गार्ड बेहद गुस्सा होते हैं और जानना चाहते हैं कि उसने हथकड़ी कैसे खोली, लेकिन वह हमेशा की तरह चुप रहता है। अगले दिन हम सुजुकी के हाथ में एक छोटा सा तार देखते हैं। यह वही तार है जिसकी मदद से वह अपनी हथकड़ी खोलता है, और यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह इस तार को कहाँ छिपाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर जाता है। उसकी अनुपस्थिति में गार्ड निश्चित हो जाते हैं। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वह तार निकालता है और उससे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एक गार्ड रूटीन चेकिंग पर आता है। जब वह दरवाजे से देखता है, तब सुजुकी फिर से सिर टक्कर सो रहा होता है। हालांकि इस बार वह इसे नजरअंदाज करता है। तभी हम देखते हैं कि सुजुकी छत से गार्ड को देख रहा है। वह पहले ही सेल से भाग चुका है और अब वह जेल से भागने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। गार्ड के जाने के बाद वह जेल की छत पर चला जाता है। फिर वह छत में एक सॉफ्ट जगह पर घुसा मारता है, जिसे छेद हो जाता है और वह बाहर निकल जाता है। जब गार्ड को पता चलता है, तो वे तुरंत अलार्म बजाते हैं। वार्डन को भी भागने के बारे में पता चल जाता है और वह वापस जेल लौटने का फैसला करता है। अगली सुबह जैसा कि अधिकारी तलाशी की योजना बना रहे थे, वार्डन आता है। वह सुझाव देता है कि वे सभी योद्धाओं को रद्द कर दे और एक टीम को पास के रेलवे ट्रैक पर भेज दे। अधिकारी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सुजुकी मूर्ख नहीं है जो हमेशा एक ही स्थान पर छिपता रहेगा। सभी गार्ड की हैरानी के बीच वार्डन की भविष्यवाणी सच हो जाती है और भगोड़ा सुजुकी फिर से रेल पटरियों के पास पकड़ लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे जेल से बाहर निकलते ही उसकी सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। अगले दिन वार्डन को उसके राइट टाइम एक्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक उच्च पद पर प्रमोशन किया जाता है। और उनका नया काम देश भर की जेलों का दौरा करना और जेल में कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करना है। दूसरी ओर सुजुकी फिर से अपने सेल से भाग जाता है और फिर से ट्रेन की पटरियों के पास पकड़ा जाता है। हर साल बीतने के साथ सुजुकी को कई जेलों में भेजा जाता है, लेकिन वह उन सारी जेल से भागता है और नजदीकी रेलवे ट्रैक से पकड़ा जाता है,
इसी वजह से मीडिया भी अब सुजुकी को ब्रेकआउट किंग के नाम से जानती है। वह काफी फेमस हो जाता है और बच्चे भी उसे अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। इसके बाद फिल्म 12 साल फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि सुजुकी को सेंट्रल जेल में भेजा जा रहा है। इस बार कड़ी निगरानी रखी जा रही है, सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए कई सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। उसकी कोठरी भी नरक समान है, जो पूरी तरह से कंक्रीट से बनी है और दरवाजे पर भी कई ताले लगे हैं। यहाँ हमें पता चलता है यह वही आइसोलेशन सेल है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जैसे ही गार्ड चले जाते हैं, सुजुकी पूरे सेल को स्कैन करता है और ऐसा कुछ खोजने की कोशिश करता है जो उसे भागने में मदद कर सके। एक दिन एक गार्ड भोजन लेकर आता है और सुजुकी की सेल के अंदर रखता है। तभी सुजुकी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और हथकड़ी लगा देता है। गार्ड अपनी सीटी बजाता है और बैकअप टीम बुलाता है। तुरंत ही दूसरे गार्ड आ जाते हैं और सेल खोलकर सुजुकी की पिटाई करते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वह दरवाजे की छोटी सी खिड़की से गार्ड की मूवमेंट को ट्रैक करता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो उसके चेहरे से खून टपकता है और लोहे की सलाखों को भिगो देता है। अगली सुबह गार्ड सुजुकी की हथकड़ी में कुछ अतिरिक्त स्क्रू जोड़ देते हैं ताकि वह इसे खोल न सके, और जाने से पहले वे फिर से एक बार सुजुकी को मारते हैं। इस तरह सुजुकी के दिन बीतने लगते हैं। वह जानबूझकर गार्ड पर हमला करता है और पीटा जाता है, फिर दरवाजे की लोहे की सलाखों को अपने खून से भिगो देता है। एक दिन गार्ड ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका एक दांत टूट जाता है। हैरानी की बात यह है कि सुजुकी उसे उठाता है और मुस्कुराता है, जैसे कि उसने कोई प्लान बनाया हो। अगले सीन में सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ ड्राइंग करता नजर आता है। तभी गार्ड आता है तो वह तुरंत अपने मुंह के अंदर दांत को उसकी मूल स्थिति में रख देता है। कुछ हफ्ते बाद सुजुकी एक और गार्ड पर हमला करता है। इस बार उसे काफी कठोर सजा दी जाती है। वे सुजुकी को एक जंजीर से बांध देते हैं और कठिन मुद्रा में खड़ा कर देते हैं। दिन बीतते जाते हैं लेकिन वह अभी भी उसी स्थिति में है। एक दिन सबको चौंकाते हुए सुजुकी गाना शुरू कर देता है। तब सबको यह पता चलता है कि वह बोल सकता है। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं और सुजुकी अभी भी सजा भुगत रहा है। उसी शाम गार्ड उसके सेल में प्रवेश करते हैं और जंजीर को उतार देते हैं। आखिरकार पूरे एक साल के बाद सुजुकी को आराम मिलता है। इस बीच पूर्व वार्डन कैन मुरा वहां की सुविधाओं का इंस्पेक्शन करने के लिए जेल के अंदर पहुंचता है। जब वे आइसोलेशन सेल के पास आता है तो उसे एक बीमार सुजुकी दिखाई देता है। हालांकि वह उसे अनदेखा करके चला जाता है। इसके बाद हम फिल्म की शुरुआत के उस हिस्से में जाते हैं जहां से फिल्म फ्लैशबैक में गई थी। जब बाहर बादलों की गड़गड़ाहट शुरू होती है, सुजुकी अपने प्लान को एक्शन में लाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह एक साल से अधिक समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह अपना दांत निकालता है और अपनी हथकड़ी को खोलने लगता है। यहां हमें पता चलता है कि सुजुकी दीवारों पर चित्र नहीं बना रहा था, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ अपने दांत की धार निकाल रहा था ताकि वह स्क्रू खोल सके। हथकड़ी से मुक्त होने के बाद वह दरवाजे के पास आता है और उसकी लोहे की सलाखों को जोर से हिलाना शुरू कर देता है। लगातार खून बहने के कारण लोहे की सलाखों में जंग लग चुका है, जिसे वह आसानी से खोल देता है। इसके साथ सुजुकी उस सेल से बच निकलता है। इस सीन के बाद हम सुजुकी के पास्ट को देखते हैं। एक दिन जैसा कि सुजुकी जंगल में जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रहा था, अचानक उसके पिता वहां आते हैं। तब सुजुकी अपने पिता के सीने पर वही टैटू देखता है जो उसके सीने पर भी है। तभी वहां कुछ अधिकारी आते हैं और उसके पिता का पीछा करना शुरू करते हैं। यह देखकर सुजुकी अपने पिता से मिलने की कसम खाता है। अब हम देखते हैं कि सुजुकी फिर से रेल की पटरियों पर दौड़ रहा है। तभी कैन मुरा ट्रैक पर आकर उसे रोकता है। कुछ देर बाद गार्ड्स आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। यह देखते हुए कि सबसे सुरक्षित जेल से भी सुजुकी भाग गया है, क्राइम डिपार्टमेंट के हेड कैन मुरा आदेश देता है कि सुजुकी को दुनिया की सबसे घातक जेल में लाया जाए, जो है प्रिजन आइल। प्रिजन आइल किसी अन्य जेल की तरह नहीं है। यह समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जिसके चारों ओर तूफानी समुद्र है। इसके अलावा आसपास के पानी में शार्क भी पाई जाती है, जिससे बचना असंभव है। यह जेल अंदर से और भी खतरनाक है। जेल के अंदर हजारों गार्ड है और अगर कोई भी कैदी भागने की कोशिश करता है तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाती है। कैदियों को जहरीला खाना भी दिया जाता है, जो धीरे धीरे उन्हें पागल बना देता है। सुजुकी जब वहां पहुंचता है तो उसे लोहे की रोड से बने एक पिंजरे में रखा जाता है।
भागने की तो दूर बात, वह एक इंच भी हिल नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैनमुरा जेल लाइब्रेरी में प्रवेश करता है और सुजुकी के बारे में जानकारी खोजना शुरू करता है। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें कुछ पुरानी फाइलें मिलती है। वही सुजुकी नुमा सेल में ध्यान कर रहा होता है। हालांकि उस जगह से भागना नामुमकिन लगता है, लेकिन उसके मन में एक विचार आता है। कुछ देर बाद वह अपना ध्यान समाप्त करता है और अपनी आंखें खोलता है। फिर वह अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट करता है और धीरे धीरे लोहे के पिंजरे से बाहर निकल जाता है। तभी एक कैदी उसे देखता है, लेकिन वह जहरीले नशे में है और कुछ बोल नहीं पाता। इस बीच कैनमुरा अभी भी फाइल पढ़ रहा है। जेल के अंदर अलार्म बजता है। हालांकि जेल वार्डन चिंतित होने के बजाय खुश है, क्योंकि इस आइलैंड जेल से भागने का कोई रास्ता नहीं है। फ्रॉ इस बात से भी खुश होता है कि उसके गार्ड्स को आखिरकार एक और कैदी को मारने का मौका मिल जाएगा। कैनमुरा उसे यह बताता है कि सुजुकी एक जीनियस है, लेकिन वार्डन उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि अगली सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। सुबह के समय पूरे आइलैंड पर गार्ड्स राइफल के साथ भेजे जाते हैं। जैसे ही वार्डन अपने बाकी आदमियों को जानकारी दे रहा होता है, कैनमुरा अचानक आता है और उन्हें बताता है कि सुजुकी वास्तव में अपने पिता की तलाश कर रहा है, जो कि इस जेल में कैद है। यह बात सभी को हैरान कर देती है और आखिरकार सच्चाई सामने आती है। यह प्लान सुजुकी का मास्टर प्लान था। वह जानबूझकर खुद को जेल में डालता था और हर बार जेल से भाग जाता था, क्योंकि उसे प्रिजन आइल तक पहुंचता था। उसका मुख्य मिशन अपने पिता को ढूंढना और उसके साथ भागना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी आखिरकार अपने पिता से मिलता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। कैनमुरा, वार्डन और अन्य गार्ड उसी स्थान पर पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब वे वहां पहुंचते हैं, तो सुजुकी और बुरा आदमी पहले ही जा चुके होते हैं। सुजुकी अपने पिता को द्वीप के किनारे ले जाता है, जहां उनके पास एक पैराग्लाइडिंग तैयार है, जिसे सुजुकी ने पुराने कपड़े और बांबू से बनाया था। फिर दोनों ग्लाइडर पर सवार हो जाते हैं और वहां से उड़कर निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।